पंचकुला के सेक्टर 5 धरनास्थल पर लगातार हरियाणा के मनरेगा मैट मजदूर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 2 NHM कार्यालय के बाहर हरियाणा की आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई है। वहीं इन दोनों धरनों को समर्थन देने के लिए हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा धरनास्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे मजदूरों और आशा वर्कर से मुलाकात की। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में आशा वर्कर्स के साथ हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। हुड्डा ने महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को इन कर्मचारियों से बातचीत करके इनकी मांगों का समाधान निकालना चाहिए। मैं गया जो मेट बैठे धरने पर और वो इंतजार कर रहे हैं सरकार को बातचीत करके इनका समाधान निकालना चाहिए जो उनकी समस्याएं हैं। और जिस प्रकार से आशा वर्कर ने बताया इनके साथ जो व्यवहार किया गया महिलाओं के साथ उसकी मैं निंदा करता हूं। इनसे बैठकर बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए सरकार। तो हर वर्ग जो है परेशान है इस समय अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, कुछ करती तो है नहीं, कोई भी एक भी फैसला जनहित का है, सरकार देने में असमर्थ है। आपको बता दें कि हरियाणा भर में मनरेगा मजदूर और आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों पर गौर करती है या फिर अभी यह धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।